और दीबू के कपड़े मैंने थोड़े से पहले डाल दिए थे थोड़े एकदम हिमाचल की हूँ जा रही है। भाभी जी कब आओगे हिमाचल से? हेलो जी, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। तो आप लोगों को मैंने बताया था भाई कि मेरे पापा आने वाले हैं मुझे लेने और मैं घर जाने वाली हूँ अपने हिमाचल। आप लोग सोच रहे होंगे भाई इनके घर में इतना कुछ हो गया फिर भी घर जाने वाली है, घर जान लग रही है। तो भाई आपको वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखनी होगी तभी आपको पता चलेगा कि मैं घर क्यों जा रही हूँ, इतना क्या ज़रूरी काम पड़ गया मुझे अभी जब मुझे मतलब दादी और को छोड़ कर घर जाना पड़ रहा है और मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर जाऊँगी। तो आपको पता चल जाएगा, थोड़े से मैं कपड़े बैग में डाल देती हूँ एक दो सूट। तो वीडियो को एक बार शेयर करना और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करना जैसे आप लोग कर रहे होगा। बड़ा ज्यादा दिमाग ना खराब नहीं करे, कर लिया उठने कर ले की मैं बात नहीं भाई। पैकिंग कर लेते थोड़ी बहुत कपड़ों की, जो कपड़े वहां पे ले जाने हैं। गुल्लू के और दीपू के कपड़े मैंने थोड़े से पहले डाल दिए थे, थोड़े अपने भी डाल देती हूँ। भाई वहाँ पे थोड़ी सर्दी भी है तो मोटे मोटे कपड़े ले जाने पड़ेंगे बच्चों के, कहीं बच्चों को ठंड ना लग जाए। तो वे नीरे कपड़े हो गए हैं बच्चों के, इतने कपड़े हो गए क्योंकि बच्चों के साथ तो नीरे कपड़े लाता है, छोटे छोटे बच्चे हैं और सर्दी भी है। ऊपर से मम्मी का फोन आया था भाई कि सर्दी बहुत है। भाभी जी कब आओगे हिमाचल से? भाई जल्दी आ जाएंगे, थोड़े दिन तो लगेंगे, हमारा भी जी लगेगा यहाँ पे। ठीक है, दो दिन खतर अपना पे करा गे, मजबूरी तो भाई मैंने सारी पैकिंग कर ली है। आप लोगों के मन में भी ये सवाल आ रहे होंगे भाई कि एकदम हिमाचल क्यों जा रहे हैं। तो भाई जब मतलब लास्ट नवरात्र होता है ना तो वहाँ पे मतलब चौकी लगाते हैं बहुत ही बड़ी और वहाँ मतलब बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। और मैंने भी सुना है कि भाई जो भी वहाँ आता है उनकी हर एक मनोकामना पूरी होती है। तो मेरे पापा तभी मुझे लेने आए हैं और क्या बोलते हैं मेरे को वहाँ ले जाएंगे और जो हमारे दुख दर्द है वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। मतलब कहना है कि भाई सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरे जो हस्बैंड है वो वापस आ जाएंगे, हम एक बार वहाँ चले जाएंगे अगर तो। हम तब भी वहाँ जान लग रही है, मेरा कोई मन नहीं था अभी घर जाने का, कोई मतलब अभी तो मतलब कुछ वो ही नहीं था मतलब घर जाने का कि भाई मैं हिमाचल जाऊँ और ऐसा कुछ दादी और को छोड़ के इस हालत में। मजबूरी है तो मजबूरी में जान लग रही है और मजबूरी में तो सारे काम करने पड़ते हैं। तो सुना ही होगा आपने कि मजबूरी में तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। तो मतलब अभी हम हर एक चीज़ कर रहे हैं, जो मतलब ऐसा कोई काम नहीं है जो हमने करा नहीं, पंडित फलाना ढिमका मतलब सारे कर लिए, पर ये लास्ट एक उम्मीद है मतलब जिसको बोलते ना हमारे पास कुछ उम्मीद नहीं है, बस एक या उम्मीद है। तो मतलब मैं जान लग रही हूँ और भाई आप लोग हमारा प्यार हो, परिवार हो, आप लोग हमें इतना प्यार कर रहे हो, इतना सपोर्ट कर रहे हो। सच्ची कहा कि मतलब बुरे वक्त में अपने काम में आते हैं, दूसरे दूसरे आते हैं और आप लोग आ रहे हो, इतने अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हो और हमें सपोर्ट कर रहे हो। बस आप लोग ऐसे ही प्यार करिए, सपोर्ट करिए और कोई बात नहीं, बुरे की टेंशन ना लियो कुछ भी, जो माँ में आप संभालोगे तो आप करेंगे अपनी बात। एन समाई तो सुतरी तरियाँ सारे रही हो, पूछिए सारी बलकन ठीक रखिए, कोई टेंशन नहीं लीजिए अपने, फिर भी नहीं कोई करें इन्हों का साथ अपन तो इन्हों के पर पैसा ये करेंगे, मेरुआ नहीं जो कोई अपना साथ देगा। उठे मन तो दिल टिका लिया, ये उठे सब की नहीं होगा, मनसा पूरी हो गया। तो भाई वहाँ पे ना बहुत ही बड़ा मतलब जागरण होता है और चौकी भी लगती है और जो मतलब लोग होते हैं किसी के अंदर माता भी आती है और कोई कोई देवते भी आते हैं। तो हम जाएंगे वहाँ तसल्ली करके आएंगे, पूरा पूछ के आएंगे भाई क्या कुछ चल रहा है, जो इतना कुछ हो गया हमारे घर में, कुछ घर की प्रॉब्लम, क्या पता हमारे घर की प्रॉब्लम हो तभी ऐसा कुछ हो रहा हो। तो हम सब पूछेंगे, सब मतलब बिल्कुल सारी बात का वो सोल्यूशन करके आएंगे भाई। वहाँ से ऐसे नहीं जा रहे कि हम कोई घूमने जा रहे हैं, हम बिल्कुल सारा कुछ करके आएंगे। और अभी जाने का मतलब
पाँच साल हो गए हमारी शादी को, तो कभी भी मतलब मैं अकेले नहीं गई थी अपने घर ऐसे कि उनके बिना। जब भी हम जाते थे तो बिल्कुल साथ ही जाते थे, गाड़ी में जाते थे, पर अभी मेरा बिल्कुल भी जाने का मन नहीं। अकेले पहली बार जाऊंगी मैं अपने बच्चों को लेके, ऐसे तो मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। कोई बात नहीं, मजबूरी में जाना भी पड़ते है, सारे काम करने पड़े हैं। मन तो यह काम, हमारी मनसा पूरी हो जो, कोई बात नहीं, कष्टे से हम बस भी ठहर जाएंगे। ऐसा दिन किसी औरत को ना दिखाए, किसी के साथ ना ऐसा हो, जब अभी मेरे साथ हो रहा है तो मतलब बहुत ही बुरा। चाहे मेरा दुश्मन हो, चाहे मेरे कितने ही क्लोज हो, ऐसा किसी के साथ नहीं हो। मेरा दुश्मन तो कोई है ही नहीं, चलो छोड़ो, पर जितने भी मेरे प्यार करने वाले, ऐसा किसी के साथ नहीं हो। मतलब बहुत दुख होता है, दिन काटने बहुत मुश्किल हो रखे हैं हमारे लिए। सबकी सुना जो मारे भी सुनागा, पूरा विश्वास करके जाइए, जो कुछ कहो सारे समझिए, सारे बताइए, सारे करिए, उम्र की टेंशन ना लीजिए। तो उम्र तो हमें अपना आप जो मन संभाला, चाह में अपना कर लेंगे, खा लेंगे, जैसा बनेगा। अपने बच्चा ना ठीक रखिए, जमा सारे पूछ पाछ कर, हमने कहा हे भगवान उठ जा कर मेरी किसी पूरी करिए, तो बस बेचारे। इसको भी पापा क्या कनिश का अंदर है, अभी दूसरे कमरे में, तो दोनों बच्चे जान लग रहे। मैं चाहता दी और का पता नहीं कैसे जी लगेगा बेचारे होगा, पर दादी कोई नहीं, आप टेंशन नहीं लो, मैं जल्दी आ जाऊंगी वापिस। अपनी मजबूरी में जाना पड़ा है, और क्या करा। बाबू गल चल आ, बाबू न्यू करा, बाबू न्यू चल आ, बाबू न्यू करा, कुकर जी लग रहा है उसका। और कभी ना वो वीडियो में आए, आपने पहले भी मेरे ब्लॉग देखे होंगे।